ये कुछ यंगस्टर्स हैं, मैं उनके लिए, ये दिस नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, लेकिन कुछ यंगस्टर्स है, इट इज़ मेनली फॉर दम, बिकॉज आज टुडे यू आर स्टूडेंट्स, लेकिन कल आप जो है ना ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मकाम पे आएंगे. सो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर ओन पीपल. जो समूह के लोवेस्ट तबका है उनके लिए हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो उपनिषद में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रं, बिकॉज वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रिंगिंग दम अप. तो मैं जब कॉमनवेल्थ में काम कर रहा था, बिकॉज आई हैड 2000 3000 पीपल वर्किंग एट वेरियस मोन्यूमेंट, कुतुब मीनार में हो, कई मोन्यूमेंट्स में थे, तो ये सब जो है भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, एंड दे नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल्स. तो हमने सोचा कि इनको क्या करना चाहिए, कम से कम जो है ना थोड़ा सा एक स्कूल हम शुरू कर सकते हैं. स्कूल का मतलब जो है बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, एक तंबू लगा दीजिए, एक टीचर लगा दीजिए, उनको यूनिफॉर्म दे दीजिए और खाना पीना भी थोड़ा सा दे दीजिए. तो उसी तरीके से छोटा छोटा स्कूल हम लोगों ने शुरू किया. तो ये इस तरह की स्कूल, थोड़ा सा चेयर चाहिए आपको, को तो बहुत ज़्यादा कुछ पैसा नहीं है, ये एक दूसरी जगह पे है, कभी कभी ओपन एयर स्कूल होगा क्योंकि ये सर्दियों का महीना है. थोड़ा सा आपको हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स इतना ही सिखाना है, एक टीचर को अपॉइंट कीजिए, ये ह्यूमन सॉरी ये इसमें तुगलकाबाद में काम कर रहे हैं, पेरेंट्स आर वर्किंग हियर, बच्चों को यही सिखा रहे हैं, वरना वो भीख मांगने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि दे नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी. माइग्रेंट लेबर है, कभी भी जो ना एक मौका नहीं मिलता है इन लोगों को. तो हमने कुछ, जब मैंने यहाँ शुरू किया तो कुछ हायर ऑफिसर्स, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, ये क्या कर रहे हैं आप, आपको करना नहीं चाहिए, वेयर डू यू गेट द मनी. तो मैंने कहा आई एम नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम एनी वेयर, देन हाउ डू यू रन इट. मैंने कहा कि मैं अपने पैसे से चला रहा हूँ, आप क्यों अपने पैसे से चलाएंगे. तो इस तरह की नेगेटिव माइंडेड जो है ना बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स हैं. मैंने कहा कि व्हाट इज़ रॉन्ग, मैं चलाऊंगा. जब मैंने कहा, जो स्ट्रांगली कहा ना, आई एम चलाऊंगा, मैं तो खैर तो चोरी नहीं कर रहा, तब देन दे स्टॉप्ड अपोजिंग इट. थोड़ा सा खेलने के लिए उनको मौका दीजिए. तो कई ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली के कई ऑर्गेनाइजेशंस मेरा साथ मिल गया. ये एक यूनिवर्सल ग्रुप है, ये इसमें हमारे एक मॉन्यूमेंट है सफदरजंग टॉम, उसी के अंदर एक क्लास चला रहे, उनके पेरेंट्स ने वहाँ काम कर रहे हैं, शायद इन लोगों महीने तक जो नहाया नहीं होगा, तो एक वॉश करवा दीजिए उनका, थोड़ा सा जन उनको आई मीन हेल्प कीजिए. नेक्स्ट, कभी कभी बच्चे बढ़ जाते बहुत ज़्यादा, उनके लिए कंबल दे दीजिए. माई वाइफ आई मीन शी वॉज द इंचार्ज ऑफ मनी मैटर, पूरा वही देखते थे, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, तो शी यूज़ टू मैनेज दैट. कंबल दे दिए, छोटा छोटा, कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं. हमारे एक जैन साहब थे, ही यूज़ टू प्रोवाइड अस फ्री कंबल देते थे. तो कई जगह पे हम लोग इस तरह के स्कूल चलाते थे. तो फिर पेरेंट्स आके उन लोगों ने कहा कि अब हम लोगों को भी सीखना चाहिए. तो क्योंकि उनको गिनती नहीं आते थे कितना पैसा दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो उनको पता नहीं था, तो वो लोग भी आ गया. तो उनके समस्या ये था कि उनको रात में ही मौका मिलेगा, तो उसमें खाना बनाना है. तो मैंने कहा कि खाना हम दे देंगे. सो दे ऑल्सो ज्वाइंड, तो उनको भी अच्छा. इन लोगों के लिए सब गवर्नमेंट का फंड्स बहुत है, एडल्ट एजुकेशन फंड्स है, बट दैट डजन नेवर रीचेस दिस पीपल. तो हमको लिफ्ट इवन इरीगेशन, इवन रूट इरीगेशन करना पड़े, उसी तरीके से जहाँ जहाँ ये लोग हैं वहीं जाके इनको पढ़ाना पड़ेगा. अब ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे, 1-2 साल के बच्चे हैं, गोद में बिठाती, इन लिए लोग सब जने हिंदी सीख ली, अब तो अंग्रेजी सीख रहे, ABCD सीख रहे. स्मॉल वर्क, आप चेंज कर सकते हैं दुनिया को. तो लोग अपोज करते थे, ये नीरा मिश्रा जी है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, मेरे ख्याल में यहाँ तो नहीं होगी, आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आई मीन हेल्प फॉर अस, शी इज़ रनिंग ए ट्रस्ट नोन एज द्रौपदी ट्रस्ट, वो पूरा यहीं चला रही है. सम फॉरिन ऑर्गेनाइजेशन, ये सतीश जी है, ही इज़ फ्रॉम आई मीन इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से. सो ही एंड हिज वाइफ दे सपोर्टेड अस. तो वो पैसा देना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं पैसा मत दीजिएगा, यू ब्रिंग अस मटेरियल एंड यू आई मीन डिस्ट्रीब्यूट इट विथ योर ओन हैंड. ये है जैन साहब, ये पूरा जो है पानीपत से कंबल मंगवाते थे, फिर हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे. इसीलिए इस काम को ये कुछ TV वालों ने देख लिया, स्पेशली CNN IBN, उन लोगों ने सिटीजन जर्नलिस्ट का अवार्ड दिया. इट इज़ मेनली फॉर यू पीपल, ये दिया है.
तो जब ये हुआ, इनसे भी बड़ा एक आदमी, दे केम टू नो अबाउट दिस वर्क. तो उन्होंने कहा कि जो ना, मैं उन बच्चों से मिलना चाह रहा हूँ. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपोज्ड इट, बट देन ही सेड नो, आई वुड लाइक टू मीट दोज चिल्ड्रन. वो कौन है वो जरा देखिए. अब देखिए, लुक एट द वे ही इज सिटिंग, एंड ही हैड ब्रॉट स्पेशल गिफ्ट फॉर दिस चिल्ड्रन फ्रॉम व्हाइट हाउस. वो अपने हाथ से दिया. अदरवाइज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, दे डोंट, एज पर देयर प्रोटोकॉल, दे कैन नॉट गिव इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर हैंड्स. देन इन 2010, बट इन 2015 अगेन ही केम. तो उसमें से एक बच्चा था इनका, जिनका नाम था विशाल. ही हैड गॉन एंड रिसीव्ड हिम, वेलकम मिस्टर ओबामा, ए स्लम चाइल्ड यू नो गोइंग एंड वेलकमिंग, वेलकम मिस्टर ओबामा. वो उस बच्चे को नोट किया. देन व्हेन ही वाज कमिंग इन 2015, आई गॉट ए फोन कॉल फ्रॉम अमेरिकन एम्बेसी दैट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही इज़ लुकिंग फॉर विशाल. विशाल कौन है मैं भूल गया था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन ही रिमेम्बर्ड द नेम. ही वॉज लुकिंग फॉर विशाल. तो मैंने कहा ना, इट्स नॉट पॉसिबल टू लोकेट हिम, क्योंकि वो तब तक ये ख़त्म हो गया था, मैंने दिस कॉमनवेल्थ हैड, आई मीन इट वॉज ओवर, लोग कई जगह पे चले गए थे. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप सोचेंगे तो आप लोकेट कर सकते हैं. सो देन आई हैड हिज फादर्स नंबर था मेरे पास, उसके रामदास का नंबर था, फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया. एंड देन ऑन 27th of January 2016 को, बिकॉज दे हैड द परेड 27th of January, टाटा बिरला बाकी जितने भी बड़े लोग थे उनसे मिलने के पहले ही मेट दिस चाइल्ड विशाल, दिस बॉय. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटा सा काम है, आप बहुत समाज को बदल सकते हैं. सो दैट शुड बी द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. एक चीज़ और, जन एक 5 मिनट और ले लूँगा आपसे, बिकॉज यू वी हैव ए गुड गैदरिंग. तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग जन ऑफिशियल्स से क्या क्या कर सकते हैं. अगर नहीं करना है बैठ जाइएगा, आपको तनख्वाह मिलेगा, सैलरी मिलेगा, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं दुनिया को. वो कैसे है, मैंने अनदर एक्सपेरिमेंट ही आई डिड हियर. एक जगह जो ना, यहाँ सिरी फोटो ऑडिटोरियम के पीछे वो एक क्लब, डीडीए वाले एक क्लब बना रहे थे, सो दैट वाज हैंडेड ओवर टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो आई थॉट दैट ए मैन हु इज़ कमिंग टू इंडिया, वो पहले दिल्ली आएंगे, दिल्ली में तो कुतुब मीनार देखेंगे, लाल किला देखेंगे, हुमायूं किला देखेंगे, हुमायूं टॉम देखेंगे, आगरा जाएंगे ताजमहल देखेंगे, राजस्थान जाएंगे, अगेन द सेम मुगल मोन्यूमेंट, आप कहेंगे राजपूत मोन्यूमेंट लेकिन द सेम मोन्यूमेंट. तो लेकिन इंडिया में कितने कितने बढ़िया चीज़ें हैं. द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्ट वर्क स्कल्पचर्स है, वो है, ये है, ये सब चीज़ें देखने का मौका नहीं मिल पाते. वो चीज़ें जब आप यहाँ ला भी नहीं सकते हैं. बट आई स्टार्टेड मेकिंग ए म्यूज़ियम ऑफ रिप्लिका म्यूज़ियम, उसका रिप्लिका बना दीजिए. तो कुछ लोगों ने उसको भी अपोज किया, लेकिन मैंने कहा कि बिकॉज देर वॉज नो फंडिंग फॉर इट, लेकिन मैंने कहा कि ये काम करना है एंड दैट वुड बी ए ग्रेट वर्क ऑल्सो. तो मैंने जितने भी मास्टर पीसेस ऑफ इंडियन आर्ट है उसका रिप्लिका बनाना शुरू किया एंड रिप्लिका म्यूज़ियम बना के बना लिए वहाँ, ये जस्ट बिहाइंड दिस सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम. उसमें जो ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स ऑफ द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये सब जो ना एमपी का है, यूपी का है. नेक्स्ट महाबलीपुरम का जो कृष्णा लिफ्टिंग कैलाश, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, ऑलमोस्ट लाइव स्केच आपको यही मिल जाएगा. वराह इनकारनेशन फ्रॉम आवर मध्य प्रदेश, द ग्रेट वहार सोना, ये पूरा. और फास्टिंग बुद्धा द ओरिजिनल इज इन लाहौर म्यूजियम, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं पूरा. और प्रीचिंग बुद्धा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीस ऑफ इंडियन आर्ट वर्क है ये, सारनाथ में जाना पड़ेगा लेकिन यू कैन सी इट हियर. और रावणा शेकिंग कैलाश एलोरा में है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इसकी पूरी कहानी, इतनी दिलचस्प कहानी है रावणा शेकिंग कैलाश वगैरह का. थोड़ा सा अगर वो स्टोरी बताने वाला और एक एक आइडेंटिफाई करने वाला आपके पास है तो बहुत कुछ बता देंगे. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी ऑफ इंडियन आर्ट, इट लुक्स, उनकी मुस्कुराहट देखिएगा, जो अक्सर लोग कहते हैं कातिलाना मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट है.
And look at the way she has worn, as if she is going to the modern fashion show mein ja rahe. Usi tarike se, the way she is, I mean, using this dress. Original se thoda maine bada bana diya hai. Aur Arjuna's penance, next, Mahabalipuram ki hai. Trivikram avatara, pura, the whole Trivikram avatara, you can see it here. Mahishasura Mardini, how the fight was, Mahishasura Nirna, Shiva Ratri, Varade Nama, Rupam Devi, Jayam Devi, Yasho Dehi, Disho Jehi. How the fight is going on between the two. Yet she, another most beautiful, she has toured all over the world. Koi aisi jagah nahi hai jo duniya mein, koi bhi exhibition ho, she would be there. Most beautiful lady of, another beautiful lady of Indian art. Lekin hum logon to kabhi mauka nahi milta hai. Agar abhi aapko dekhna hai to, bilkul Sirif Auditorium ke piche hai, ye Khelgaon ke beech mein. The earliest Shivalinga in the world. Next. And a drunken lady from Indian architecture. Next. Standing Buddha, because he is in Roman, this one dress. Buddha in Roman dress. Yogapatta Narasimha, it is from Hampi, one of the greatest capitals of India. Next. Jain statue of Gomteshwar. The original is 56 feet, but this is only 12 feet. इस तरह की ये देखिएगा शिवा आपने कई शिव का ये देखा होगा लेकिन ये तो बिल्कुल अद्भुत शिव लिंगा है. Look at this one. मैंने एक जड़ी चर्मी शिगंटी च सर्वांग सर्वभावना हरिश्च हरिणा चश्च सर्वभूत हर प्रभु. Look at this one. His turban, it is made out of Vasuki. ये Vasuki है. ये this, I mean, these are the hoods of Vasuki. Look at his nose. ये एक descending चिपकली है, this one, and his ears, ये मोर से बना हुआ है, मोर and this, I mean, serpent, they are traditional enemies, लेकिन when they are with Shiva, they are at peace, they don't fight each other, और इनकी eyes देखिए, these are the frog's eyes, and his chin, it is made of crab, आप इस तरह की ना कभी देखा नहीं होगा. And his hands are coming from crocodile mouth. Ye crocodile mouth. And his private part, it's a moving tortoise. And elephant legs. Here you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Main to sirf ye nahi hum, sari jana pashupadi nahi hum. Main pura kainat hum, main pura duniya hum. So it is that kind of declaration. Is tarah ki shiv murti kahin par bhi India mein nahi hai. I saw it in Tala Karke, Chhattisgarh mein hai. Gulam Gyaz. Bilaspur mein. To uske fir jo na bilkul humne ek replica bana di. Isi tarike se replica bahut kuch bana sakte. There was no funding from the government. Lekin kuch fund aisa hai jisko I had the discretionary power. Usse thoda sa hata ke jo na ye museum banaya. My original intention was it should be a Southeast Asian museum. क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में है, बर्मा में क्या है, या थाईलैंड में क्या हो रहा है, चाइना फार ईस्ट एशिया में क्या है, इन सब का बनाने का प्रोग्राम है. तो उस टाइम में लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल कांग्रेस गवर्नमेंट वास्ते है, उन लोगों ने कहा था कि ये बीजेपी का आइडिया है. तो मैंने कहा मेरे लिए बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है, ये इंडियन आइडिया है. लेकिन बीजेपी के आने के बाद उनको भी इसके कोई परवाह नहीं है. तो ये है कि बिकॉज यू नो यू आर इन, इफ यू आर इन ए गुड पोजिशन यू कैन डू ए लॉट वर्क. सो इसीलिए बच्चे, because you are the student, tomorrow you will be occupying important position. तो वहाँ जो ना हमेशा जो नीचे का तबका है उनके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिएगा. Next. तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा. अब मैं आई एम एट द फैग एंड ऑफ माई दिस वन.